इस समय की बात करें तो गुजरात एक बड़े संकट से गुजर रहा है। एक बड़ा वेदर सिस्टम, एक साइक्लोन वहां से होकर गुजर रहा है। साइक्लोन ताऊते की वजह से गुजरात के तमाम इलाकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कई जगहों से अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन साइक्लोन ताऊते की अगर हम बात करते हैं तो अब गुजरात के लिए नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। और इस समय की बात करें तो आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके के बादल बने हुए हैं। अभी ये ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है और इसकी अगर हम पूरी रूपरेखा देखें, इसका तरीका देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी स्पाइरल बेंड्स देखे जा सकते हैं। और ये जो बादल हैं, ये साइक्लोन से जो बादल और हवाएं दूर तक गई हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा राजस्थान इस समय साइक्लोन के बादलों से ढका हुआ है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर कई जगहों पर बारिश और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तेज़ हवाएं हैं। और साथ ही साथ ये जो साइक्लोन के बादल पूरी तरीके से दिल्ली के ऊपर छाए हुए हैं, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका। और यहाँ पर ये बादल कहाँ तक जा रहे हैं ये देखिए, बिहार तक जा रहे हैं और ऊपर हिमालय तक पहुँच रहे हैं। लेकिन ये स्थिति अभी बदलने जा रही है। अगर हम न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन की बात करें तो साफ साफ उसमें तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी, क्योंकि इस समय मौजूदा जो टाइम है यहाँ पर सिस्टम मौजूद है, यानी हम कह सकते हैं कि गुजरात से अब ये राजस्थान के अंदर दाखिल हो रहा है। और यहाँ पर हवाओं की रफ्तार देखी जा सकती है, ये देखिए किस तरीके से जिधर एरो बने हुए हैं उस डायरेक्शन में हवा चल रही है। और ये जो हवाएं हैं कई जगहों पर बारिश भी दे रही हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के ऊपर बादल छाए हुए हैं, पूरब से हवा चल रही है क्योंकि हवा की डायरेक्शन बदल रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरी चिंता है जो लोगों को परेशान किए हुए है, खास तौर पर मौसम विभाग उस पर खास तरीके से नज़र रखे हुए है, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करते हैं अगले 24 घंटे में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय में दाखिल हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी एक तरफ साइक्लोन है, दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पर खास तौर पर उत्तराखंड में एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अगले 24 से 48 घंटे में क्या होने जा रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश, यानी हरियाणा में जबरदस्त बारिश हो सकती है, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश। ये 19 तारीख की बात की जा रही है और 19 तारीख को उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश और हम कह सकते हैं कड़क के साथ बारिश होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ी चिंता है वो चिंता है उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड पूरा का पूरा घने बादलों से ढक जाएगा। दो सिस्टम आपस में टकरा रहे हैं और इसकी वजह से जो हिमाचल का इलाका जो उत्तराखंड से लगा हुआ है वहाँ पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। तो हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 19 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे दिखाते हैं, ये 20 तारीख का नज़ारा है। यहाँ पर पूरा का पूरा वेदर सिस्टम आ चुका है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ चुका है और साथ ही साथ साइक्लोन के रेमिनेंट्स अभी भी मौजूद रहेंगे। यानी 19 और 20 तारीख को उत्तराखंड और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहां पर हम कह सकते हैं कि बिहार के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। तो ये चिंता की बात है। चलिए अब हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, क्योंकि जब दो वेदर सिस्टम आपस में टकराते हैं, खास तौर पर इस समय साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन धीरे धीरे अगले 24 से 48 घंटे में कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन इससे जो बादल और हवाएं आ रही हैं, बादल का मतलब होता है नमी, नमी जो उत्तर भारत में दाखिल हो रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी झमाझम बारिश देगी, साथ ही साथ हरियाणा के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश देगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश होगी, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि उत्तराखंड के तमाम इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है दो दिनों के लिए, 19 और 20 तारीख के लिए, यानी 19 और 20 तारीख उत्तराखंड पर भारी पड़ने जा रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर चेतावनी दी गई है। ये अगले 24 घंटे के लिए उत्तराखंड की चेतावनी है, साथ ही साथ ये हम कह सकते हैं 19 तारीख के लिए, 19 तारीख में
उत्तराखंड के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में आप देख सकते हैं रेड अलर्ट है, और साथ ही साथ 20 तारीख के लिए देखिए रेड अलर्ट। तो एक बड़ी चिंता की बात है, और यहाँ पर जो चेतावनी जारी की गई है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। 19 और 20 मई के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म, इंटेंस शावर, भारी से बहुत भारी वर्षा। भारी से बहुत भारी का मतलब आप समझ रहे हैं 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश, विशेषकर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है, और कई जगहों पर हो सकता है कि नदियां एकदम उफान पे आ जाएं। तो वाहन आप अगर वहां पर चला रहे हैं या कहीं पर बैठे हुए हैं तो सुरक्षित जगहों पर शरण लें, क्योंकि 19 और 20 तारीख को उत्तराखंड के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो साइक्लोन ताऊते सिर्फ गुजरात में ही नुकसान नहीं कर रहा है, बल्कि हम कह सकते हैं कि पश्चिमी तट पर तमाम राज्य, जिसमें गोवा, साथ ही साथ केरल, और हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में भारी बारिश देने के बाद गुजरात में भारी बारिश दी है, उसके बाद पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों में अच्छी खासी बारिश का अंदेशा है, और उसके बाद हम कह सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और फिर उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश। यानी उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है, उत्तराखंड से परहेज करें। जो लोग वहां जाने की योजना बना रहे हैं या वहां पर सोच रहे हैं कि घूम के आ जाएं, उनको जो है एकदम पूरी तरीके से रुक जाना चाहिए, क्योंकि 19 और 20 तारीख को उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बहुत भारी बारिश होने जा रही है, जो मौसम विभाग कह रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।